हेलो एवरीवन। तो गाइज़, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका ICAR का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका जो GK के क्वेश्चन आते हैं उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे ये, जो कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो पार्ट वन ऑलरेडी आपका आ चुका है, ये आपका है पार्ट टू, है ना। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पार्ट वन नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, आपको मैं क्या करूँगा प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और साथ में मैं एक चीज़ बता दूँ, PDF के लिए कुछ लोग कह रहे थे, अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं ईजिली PDF शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अगले को मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, तो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, भारत जो है वो पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी कब करेगा, है ना। भारत जो है वो पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी कब करेगा, तो 2023 में, है ना। करंट के क्वेश्चन है 2023 में आपका जो भारत है वो विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, पहले क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, दूसरा क्वेश्चन है सहायक गठबंधन, है ना। तो ये आपका किसके द्वारा पेश किया गया था, तो लॉर्ड वेलेजली, किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेजली द्वारा आपका सहायक संगठन जो है वो पेश किया गया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ना। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है ना। तो क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कथा इतिहास गांधी के बाद भारत, है ना, गांधी के बाद भारत, ये पुस्तक जो है वो किसने लिखा है, तो रामचंद्र गुहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचंद्र गुहा ने कथा इतिहास गांधी के बाद भारत, गांधी के बाद भारत एक बुक है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एयर टू एयर मिसाइल का एक एग्जांपल है, तो ऑप्शन में आपके अस्त्र ज़्यादातर पूछा गया है, तो अस्त्र आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अस्त्र आज से जान लीजिए कि आपकी एयर टू एयर मिसाइल है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्लाई एस उपयोग नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो फ्लाई एस जो नीति है वो अपनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो है, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अच्छा, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते हैं, अच्छा लगता है, ये बताइएगा कि फ्लाई एस जो है वो नीति है क्या, है ना। देखते हैं कौन बताता है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन जो बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपका, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के MD मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो अनीस शाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनीस शाह को MD एंड CEO नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का। अगला क्वेश्चन है आपका, रोजर कप जो है वो किससे रिलेटेड है, तो किसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका टेनिस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो इसमें एक ऑप्शन रहेगा आपका SBI, एक आपका रहेगा RBI, और ज़्यादातर लोग रहेगा RBI को टिक करेंगे, जो कि वहीं गलत हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, SBI होगा आपका सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक बैंक। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने संगठन हैं, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो आपके संगठन हैं वो कितने हैं, टोटल 26 हैं। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी लैगून या फिर खाड़ी कौन सी है, तो चिल्का झील है। कौन सी है, चिल्का झील सबसे बड़ी भारत की लैगून है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन किसे घोषित किया गया है। तो जयपुर रेलवे स्टेशन को 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन, मैग्रोव वनस्पति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। मैग्रोव वनस्पति भारत में सर्वाधिक आपकी पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। क्लियर हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो है आपका सिंपल कि किसान रथ मोबाइल ऐप, ये एक दो तीन एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है, किसान रथ मोबाइल ऐप किस मंत्री द्वारा जारी किया गया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आपका किसान रथ मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो मसूलीपट्टनम, क्या हो जाएगा, मसूलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था दक्षिण भारत में। क्लियर, अगला सात आपका, नीली क्रांति बताइए किससे संबंधित होगा, नीली क्रांति किसके पालन से है। तो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, है ना, मतलब नीली क्रांति का जो आरंभ हुआ था
वो किस पंचवर्षीय योजना में, किस 5 ईयर प्लान में हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 7वीं में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। भारत में 5G है ना, 5G नेटवर्क, 5G ये काट दीजिए यहाँ से, 5G नेटवर्क को लागू करने के लिए TCS ने किसके साथ राजनीतिक साझेदारी की है। तो ये आपका ज़्यादातर लोग समझ रहे होंगे BSNL के साथ, बट BSNL आपका करेक्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एयरटेल होगा, है ना। TCS ने एयरटेल के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो ये आपके थे टोटल आपके 17 क्वेश्चन, और सारे आपके एकदम, आप इसके लिए एकदम टेंशन फ्री रहिएगा, मैं जो भी चीज़ें आपके लिए लाऊंगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आता हूँ। फालतू लाने का क्या मतलब भाई, GK GS में क्वेश्चन की कमी थोड़ी है, वो भी साइंस सब कुछ इंक्लूड है, तो आप परेशान एकदम मत होइए। मैं अपनी तरफ से 2-4-10 पेपर एनालिसिस करता हूँ, 2-4 बुक रखता हूँ, और उसके बाद फिर वहाँ से जो मुझे लगता है कि मैं देखा हूँ कि किस पिछले साल तो खैर उतना क्वेश्चन मिल नहीं पाया था, तो उस जिस हिसाब से भी मुझे लगता है कि मतलब एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से मैं आपके बीच क्वेश्चन को लेके आता हूँ। ठीक है, तो आप इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, और अभी तो थोड़ा सा बिजी हूँ, बट मैं आपके लिए मैराथन लेके आऊँगा परीक्षा के पहले, जितना जल्दी हो सकेगा मैराथन आप लोगों के बीच आएगी मैथ्स की, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ज़्यादातर आपके एडवांस के ही पार्ट हैं इसमें, है ना, आपके क्या कहते हैं अर्थमेटिक के ज़्यादा है नहीं, बट कुछ हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा, कुछ आपके जो चैप्टर हैं, बाकी ज़्यादातर एडवांस है ना, तो एडवांस अपना फेवरेट भी है और पढ़ाया भी जाएगा अच्छे से आपको। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गाइज़ प्लीज़ अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, है ना, क्योंकि व्यूज़ वगैरह बहुत कम आ रहा है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन लूज होता है, बट मैं कहाँ हूँ तो सारे काम तो करूँगा, बट आप लोगों से इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप थोड़ा सा शेयर कर देंगे इसको, और हो सके है ना, कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप शेयर किया करिए तो उसका स्क्रीनशॉट, हालांकि बहुत बच्चों वाली चीज़ मैं कह रहा हूँ, बट आप भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं करते तो कोई कोई दिक्कत नहीं, चलिए मिलते हैं। अच्छा, PDF के लिए मैंने कहा है ना, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक ना मिले तो कमेंट करना, मैं कमेंट में ही आपको लिंक दे दूंगा, वहीं पर मैं PDF शेयर कर दूंगा, पढ़ लीजिए PDF, देख लीजिए, बस काम खत्म। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।